हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी माँ गंगा देवी के दर्शन करने, और ये मुख्य द्वार कहा गया है। जैसे ही हम मनसा देवी के दर्शन करके आए, उसके सामने से ही ये रास्ता गया था, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं हर की पौड़ी माँ गंगा देवी के दर्शन करने। छः चालीस, अभी हमारे पास 20 मिनट है। अब 20 मिनट में अगर हम पहुंच जाते हैं तो माँ गंगा की आरती हम देख पाएंगे, वो भी हर की पौड़ी से। हमने सुना है कि बहुत अद्भुत दिव्य अलग तरीके से माँ गंगा की आरती होती है, और बहुत लाखों की भीड़ होती है माँ गंगा की आरती देखने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आज हमें भी मौका मिला है। बस ये बोलेंगे साक्षात माँ के दर्शन हो गए। दो बच्चे बह के आ रहे थे, फिर यहाँ ये जो सिकड़ी लगी है ना, उसको पकड़ के लटक गए। माँ मनसा देवी के दर्शन करके हम आए, रास्ते में इतनी भीड़ थी, भीड़ की वजह से इतनी गर्मी थी, पसीने से लथपथ हो गए थे। लेकिन जैसे हम लोग माँ गंगा किनारे आए, इतना ठंडा लग रहा है, इतना शीतलता प्रदान हो रही, क्या बताया आपको, इतना अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे मेंथल वाला पाउडर लगा लेते हैं ना, वो ठंडा पाउडर, कैसा ठंडा लगता है शरीर को, वैसा ठंडा माँ के पास आने के पूरा ऐसा लग रहा है टच ही ले ले। जितना हम लोग मनसा देवी माँ के पास चढ़ के गए थे, जितना पसीना निकला, जितनी थकावट हुई, ऐसा लगा कि माँ के पास आते ही माँ ने सब कष्ट ले लिया है। मेरा पैर ना अभी भी कांप रहा है, चलो बैठते हैं। हाँ नीचे चलो, नहीं लगाना है बेटा। गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, हर हर गंगे। अभी हम माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए थोड़ा नीचे आए। माँ गंगा मैया का जो जल है ना, वो इतना शीतल है, इतना ठंडा है कि आप भीषण गर्मी में भी ना नहाने से पहले आप 10 बार सोचोगे कि यहाँ पर नहाएगी नहीं, इतना ठंडा पानी है। इतना गर्मी था, मुझे लगा लगेगा नॉर्मल, लेकिन ये पानी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पिघल के आ रहा है, एकदम बर्फ पिघल के आता है जब पानी, तो जितना ठंडा लगता है समझ लो उतना ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में से निकाला हुआ, इतना ठंडा। हम लोग खरीद के पानी पिए तो उतना ठंडा नहीं था ना, इतना ठंडा है। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ मैया, आनंद आ गया। Oh, wow.
आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम हाँ ना, क्या सुंदर दृश्य है। एकदम टोपी पर बैठे अभी हम माँ मनसा देवी का दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। अपना उतर तक क्या है ना, इधर आ गए, उधर से इधर देख रहे, इधर से उधर देख रहे। लेकिन माँ ने पूरा थकान दे दिया। हाँ, एकदम ऊर्जा में ये ऐसी ऊर्जा प्रभाव इस तरीके में कि अब ऐसा लग रहा है कि अब माता चंडी के पास भी जाना होता अगर समय होता तो। बस थोड़ा शाम हो गया ना, इससे जा नहीं पाएंगे। आपने भोले पापा को देखो कितने मस्त महाकाल रूप में विराजमान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे तो इतने सारे देवी देवता हैं, इतने मंदिर हैं, क्या सुंदर दृश्य। तो यहाँ का एक रिलीज बनाने जैसा है, यहाँ से खड़े होकर तो पूरा दृश्य जो है आपको भुट्टा खिलाऊंगी। कुछ नहीं खाएंगे हम, सीधा चलेंगे दरबार में, मस्त अपना खाना खाएंगे। शिवम कहाँ, आरती कहाँ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे आरती शायद उधर ही होती होगी। हाँ वो उधर ही उद्गम स्थान है माँ का। चलो हाँ बना हुआ है, वहाँ से हम लेंगे। यहाँ पे तो खाने वाली चीज़ें इतनी महंगी होंगी पूछो ही ना। तो हम हैं हर की पौड़ी पे, आप लोग देख सकते हो बाबा माँ की कृपा से हम पहुँच गए हैं। और आज हम आए हैं गंगा आरती अटेंड करने। अरे वो पिन्नी ना मिलेंगे।